भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कंबल उठा, थोड़ी कंबल दे। पधारो मारे देश, दिस इज राजस्थान फॉर यू गाइस। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, यहाँ पे आपको तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन मिलेंगे, और उसी के साथ साथ हमारे प्यारे भारत के अंदर आपको तरह तरह के वेदर्स भी देखने को मिलेंगे, चाहे वो तेज धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या फिर जोरदार बर्फबारी। जब बात बर्फबारी की आती है ना, तो मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन क्लिक होता है, क्या राजस्थान के अंदर कभी बर्फबारी होती है या फिर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे इतनी बर्फबारी होती हो? तो आज मैं आपको ऐसी जगह पे लेके चलूंगा जहाँ पे आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। जहाँ तक आपकी नजरें जाएगी ना, वहां तक बर्फ ही बर्फ। तो भाई लोगों, मैं फटाक से रेडी हो जाता हूँ, एक सेकंड। तो भाई लोगों, मैं तो तैयार हो चुका हूँ, आप भी पॉपकॉर्न या ड्रिंक लेके बैठ जाओ और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो चलते हैं। Motherfucker, I've been mortified, fortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seeing some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, now niggas doing dope lines. I'm running to the cops, that's a bitch, nigga exercise. They're running to the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like Legato. Niggas get chipped like staccato, send a wave through the hood, now it's sounding like vibrato. Why you eat bread with avocado? We be trying to die shells before landing our tomato. Singing all my sorrows on Apollo. I've been trying to pave the way, but they didn't tell me. तो भाई लोगों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं किसी बर्फीले इलाके में खड़ा हूँ, बट ये आपकी आंखों का धोखा है। ये जगह है ना, एक डंपिंग यार्ड है, यानी कि कचरा पात्र। कचरा पात्र हो के इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है यार? तो चलो मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ, लेट्स गो। तो भाई लोगों, एक बार आप खुद अपनी आंखों से इस जगह को देखो, जितनी दूर तक नजर जाती है उतनी दूर तक बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ और बर्फ ही बर्फ। क्यों भूपेंद्र, गजब लग रही है भाई, गजब गजब लग रही है ना। नंबर और भाई लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो लोकेशन है ना, ये राजस्थान की लोकेशन है। तो ये जो टोपा और ये जो जैकेट पहन रखे है ना, हमें इसे टाइम पर रहते ही खोल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कड़कती धूप पड़ रही है बहुत तेज। बहुत हो गया शूट एक्टिंग, अब चलते भाई। नॉर्मली आपको बताते हैं कि ये लोकेशन आखिर है कितनी खूबसूरत, लेट्स गो। भाई लोगों, एक बार देखो यार, ओ भाई, ओ भैंस की टांग, देखो एक बार इसे, कितने बड़े बड़े क्रैक्स हैं इसके बीच के अंदर। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे अपन किसी एडवेंचर पे आए हुए हैं, बहुत ही खतरनाक। भाई लोगों, आज पूरी मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है यार, ऑसम। तो भाई लोगों, अभी हम ऊपर आ रखे थे और वो वाला शूट था ना, जो कपकपाने वाला शुरुआत का, वो हमने वहाँ पे लिया था। अब एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, और नीचे चल के मैं आपको इस लोकेशन के बारे में बताता हूँ। ओ भाई, कितना स्कैरी है, देखो बिल्कुल एकदम बर्फ जैसा। गिरना नहीं है भाई, ये स्किड मारता है। तो भाई लोगों, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारा क्राउड आता है और ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो भाई लोगों, ये जितना भी आपको बर्फ़ जैसा दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में बर्फ़ है नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है पाउडर। तो ये पाउडर है ना, जब मार्बल की कटिंग होती है ना, तो ये पाउडर उसमें वेस्ट मटेरियल के तौर पर निकलता है। जो वाइट मार्बल होते हैं ना, उनकी कटिंग के समय ये पाउडर है ना, ये निकलता है, और ये इतनी ज़्यादा तादाद में निकलता है कि इसे डंप करने के लिए यहाँ पे पूरा एक सेक्शन बना रखा है। जो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये है किशनगढ़ का डंपिंग यार्ड। यहाँ पे आपको जैसा कि पता ही होगा, किशनगढ़ एशिया का नंबर वन प्लेस है मार्बल्स के अंदर, और यहाँ पे सबसे बढ़िया क्वालिटी के मार्बल्स यहाँ पे निकलते हैं, और ये जो जगह है उन्हीं मार्बल्स के वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है, इसीलिए बिल्कुल सफ़ेद है, क्लीन है। जितना दूर तक आपका नज़र जाएगा ना, उतना दूर तक आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ जैसा ये पाउडर देखने को मिलेगा। ये बर्फ नहीं है, ये एक पाउडर है, और आपको मैं इसकी कुछ खास बातें और बताता हूँ। तो भाई लोगों, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी पब्लिक है, और उनमें से आधी से ज़्यादा पब्लिक्स के पास है ना, काफ़ी हैवी इक्विपमेंट है, गियर्स हैं, और वो यहाँ पे एक बहुत ही खास काम के लिए आते हैं। चलो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो भाई लोगों, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक प्री वेड शूट हो रहा है, और इस तरफ घुमाएं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटअप लगाया गया है, कोई बड़ी मूवी या फिर कोई बड़ा सॉन्ग है वो शूट चल रहा है। और इधर देखें
तो इधर भी कोई बड़ी मूवी या फिर कोई बड़ा सॉन्ग है उसका प्रिपरेशन सेट लग रखा है, और इधर देखो इधर भी एक सेट लग रखा है, और भाई जहाँ तक नज़र जाए वहाँ पे पब्लिक है और उनके पास सबके पास गियर्स हैं। तो भाई लोग इससे साफ साफ पता चलता है कि ये बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री और प्री वेडिंग की सबसे फेवरेट लोकेशंस में से एक है। तो भाई लोग अब एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या काफ़ी सारे म्यूजिक शूट्स हो रखे हैं तो उनमें से कुछ सॉन्ग्स का हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आज के एक्टर हैं हम, हमारी एक्ट्रेस है भूपेंद्र, और हमसे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ करना, ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो लेट्स गो। दिन रखरा दो कैंडल नी, हर वीक दबा दो सैंडल नी, बजट बजट दा फिक्र न कर, बेबी एवरीथिंग आई कैन हैंडल नी, कद नाल रहेगी वो ओ ओ। तो भाई लोगों ये है ना सॉन्ग जसमानक का था, हमारे पास इतना बजट नहीं है कि कुर्सियाँ उर्सियाँ सब कुछ अफोर्ड कर सके, और हमारी एक्टिंग स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं है। चलो नेक्स्ट सॉन्ग पे चलते हैं। लो आजा। हाँ ऐसे 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 करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। हाँ करें, 1 2 3। किसी के मुंह पे गिरा दिया भाई लोगों। यार हमसे तो सच में नहीं होता, ये सिंगिंग और एक्टिंग लाइन है ना, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल बंदों के लिए। इधर भी बर्फ़ की पहाड़ी, इधर भी बर्फ़ की पहाड़ी, और बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कि अपन किसी अंटार्कटिक ओशन साइड आ रखे हों। बाकी इसका एक बेनिफिट है कि यहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती, आप आराम से घूम सकते हो, तो आपको इतने हैवी हैवी कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स गो लेट्स गो। और बकचोदी करते करते है ना शाम हो चुकी है, सनसेट का इतना प्यारा व्यू है, व्यू है, एक बार आप व्यू देखो यार। वैसे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो पानी है अगर इसमें आप गिर गए ना तो भाई बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो पाउडर है ना ये बहुत स्लिपरी है, तो आप वापस ऊपर नहीं चढ़ सकते। इस वजह से वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा रखा है, कृपया पानी से दूर रहें। और यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेजेडीज़ भी हो चुकी हैं, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द वाटर। तो भाई लोग जिन पत्थरों की बात मैं कर रहा था ना वो यही पत्थर हैं, और इन्हीं पत्थरों से जो पाउडर निकलता है उससे ये प्लेस बना हुआ है पूरा का मस्त मस्त। एक नंबर यार, एक नंबर चल रहा है यार। फिर भाई लोगों यहाँ पे आप है ना हॉर्स राइड भी कर सकते हो, तो हॉर्स भी अवेलेबल है। और भाई लोगों यहाँ पे एनीवेयर डोर भी है डोरीमोन का, जिसमें घुसने के लिए काफ़ी सारे लोग तैयार हैं। भाई इस एनीवेयर डोर का हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो भाई लोगों यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े स्टार्स आते हैं वो सीधा हेलीकॉप्टर से आते हैं, और यहाँ पे हेलीपैड भी बनाया हुआ है। तो भाई लोगों देखो यहाँ पे अभी एक और शूट चल रहा है। तो भाई लोगों घूमते घूमते सुबह से शाम हो चुकी है, और सच में काफ़ी मज़ा आया है, काफ़ी शानदार प्लेस है। अगर आप राजस्थान आते हो तो यहाँ पे बिल्कुल आना, बहुत ही शानदार वीडियोस एंड फोटोज़ निकलेगी, जैसे कि हमने निकाली, हमने काफ़ी यहाँ पे इंजॉय भी करा है, ऐसी बात नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी शानदार वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड वीडियो को आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। सर्दी लग रही है ना बहुत ज्यादा है, मत बना। एक बार दिखाओ क्या है ये सीन। तारा रा रा रा। बैठा है, इसको गर्मी हो रही है।